एक बुक को पढ़ने से हो जाएगी आपकी सरकारी नौकरी पक्की, तो बिल्कुल इस टाइटल को पढ़ के आप थोड़े से सरप्राइज हो गए होंगे, लेकिन नहीं, ये एक सच्चाई भी है। और मैं आज आपको जो बुक बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। और जो बताऊँगा वो अपने आप में एक कंप्लीट बुक है, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें और चाहे जीके की बात करें, तो कंप्लीट एक सिलेबस, एक कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको वो बुक प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बुक की ओवरऑल जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जो करीब करीब पड़ती है 1400-1500 रुपये के आसपास। और थोड़ा सा आपका जो सरप्राइज है उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और सरप्राइज ख़त्म करता हूँ और बताता हूँ कि ये जो बुक है वो अपने आप में एक बुक नहीं बल्कि एक बुक को चार पार्ट में आपको लेना है, और वो है करण चैप्टर वाइज। जी बिल्कुल, देखिए करण चैप्टर वाइज मैथ्स, करण चैप्टर वाइज रीजनिंग, करण चैप्टर वाइज इंग्लिश और करण चैप्टर वाइज जीके। एक बुक मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक कंप्लीट ही पब्लिकेशन है जो आपको इस परफेक्ट सिलेबस को प्रोवाइड करा रहा है, जो भी आप अपने एग्जाम के लिए आपने चूज किया है, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीपीओ सीएचएसएल या फिर कोई भी अदर एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उन सभी एग्जाम की तैयारी केवल 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 इन चार बुक को पढ़ने से हो जानी है, ठीक है। एक ही पब्लिकेशन है, एक ही टाइप से सारी चीज़ें उसमें मेंटेन की गई हैं, चाहे आप इंग्लिश को देख लें चाहे जीके को देख लें, तो उसी टाइप से चैप्टर वाइज ईयर टू ईयर पेपर जो भी होते हैं वो सब क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको चार बुक की बजाय एक बुक माना है, और एक बुक को उस चार पार्ट में आपको लेना है। समझ में आ गई बात? तो अगर ओवरऑल बुक्स की बात करें तो चार बुक, मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश, ठीक है, करण चैप्टर वाइज, क्लियर। और चारों बुक के ही बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल कैसे कैसे चीज़ें हैं, और चारों ही बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो amazon.com पर आप जाकर उन सभी बुक्स को देख सकते हैं, पहले देख लीजिए, ठीक है। परचेज करना है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहां से ले लीजिए, ठीक है। करीब करीब 1400-1500 के आसपास ओवरऑल ये आपको पढ़ने वाली हैं, ठीक। इन चार बुक के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? स्टार्ट करते हैं पहले मैथमेटिक्स से। देखिए मैथमेटिक्स में 1997 से लेकर अब तक अप्रैल 2017 तक अपडेट हुई है, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस यहां पर लिए गए हैं इस बुक में, ठीक। कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं रह जाता, चाहे वो बेसिक लेवल क्वेश्चन है चाहे वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसलिए मैथ की एक परफेक्ट बुक आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक। सेम बात की जाए रीजनिंग, रीजनिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया है, वही सारी चीज़ें दी गई हैं पॉइंट टू पॉइंट, मतलब टॉपिक वाइज आपको दिए गए हैं, बेसिक और एडवांस लेवल जिस भी लेवल तक के क्वेश्चन एसएससी डिमांड करता है वो सब यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक। बात करें जीके, जीके में यहाँ पर एक सबसे अच्छी चीज़ मिल जाती है कि आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो वो सब मिल जाते हैं आपको, ठीक है। साथ ही यहाँ पर उन क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाता है, तो उस डिटेल को भी आप पढ़कर चलें तो आप जीके में एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, साथ ही उसका जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन है वो भी पढ़कर चलें, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। करीब करीब 10-11 हज़ार के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी सेम उसी पैटर्न पर काम किया गया है, ठीक है। टॉपिक वाइज दिया गया है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस के लिए कॉमन एरर्स हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है, ग्रामेटिकल काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, साथ ही वोकैब भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर पढ़ने को मिलती है, तो करीब करीब 9-10 हज़ार के आसपास यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मैंने जो आपको जो बुक के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में वो लेटेस्ट बुक के ही लिंक दिए हैं, ठीक है। पहले भी बुक और पुरानी भी बुक आपको मिल जाएंगी जिसमें कुछ कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जब आप मार्केट में नई अवेलेबल है तो आप उसी को लीजिए, पुरानी लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, है ना। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन सब बुक्स में मिल जाते हैं। तो अब देखिए ये बुक
वाकई में बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर एग्जाम पर पकड़ बनाने के लिए आपको कंप्लीट यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। तो बस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको तैयार कीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि अगर इन चार बुकों को आप कंप्लीट कर लेते हैं, इन चार बुकों केवल, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह जाती, ठीक। हाँ, थोड़ा सा ये है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको थोड़ा सा आर एस अग्रवाल वगैरह या कोई बेसिक लेवल बुक, सगीर अहमद टाइप की बुक आपको पहले प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कोई ट्रिक्स नहीं मिलने वाली है ना, सीधे सीधे वही पुराने लंबे वाले मेथड वहाँ पर आपको मिलेंगे। या फिर अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, या फिर जैसे कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं या कहीं और क्लास ले रहे हैं, तो अगर उनके मेथड आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो वो कीजिए, लेकिन बुक की प्रैक्टिस आप यहीं से करके चलें तो आप पूरी तरह से एग्जाम पर प्रिपेयर हो जाते हैं। मतलब जिस भी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं उसको पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि SSC में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए, ना केवल SSC के एग्जाम के लिए, बाकी सभी एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यही चीज़ मद्देनजर रखकर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, मतलब पूरी तरह से बुकों का भंडार खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुकों का भंडार करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि 10 अलग अलग बुक को पढ़ने से बेहतर है किसी एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर जाते हैं। अगर हम बुक लेकर बैठ जाएंगे, काफ़ी सारी बुक लेकर बैठ जाते हैं, तो वहाँ हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसको पढ़ें, किसको ना पढ़ें, किस में से क्या पढ़ें और क्या छोड़कर चलें। तो करंट चैप्टर वाइज जो बुक है, चारों ही बुक अपने आप में सफिशेंट बुक है, कम्प्लीट बुक है। तो अगर इनको ही आप अच्छे तरीके से कर जाते हैं तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं रहती। अगर आपके पास समय है तो आप कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, एक्स्ट्रा समय है तो कर लीजिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि इन बुक्स को पहले अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, जो इनमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब इन चार बुक को आप पढ़ रहे हैं तो इन चार बुक को पढ़ने का एक सटीक टाइम टेबल तैयार करें, दो दो घंटे के हिसाब से। अब जैसे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में आपको दो घंटे देने की जरूरत नहीं है, एक घंटा भी अगर आप देते हैं तो वो भी अपने आप में सफिशियंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर देने की जरूरत होती है मैथमेटिक्स, इंग्लिश और GK, तो करीब करीब सात घंटे का टाइम आप इन तीनों पर डिवाइड कर दीजिए। GK कोई बात नहीं, दो घंटे लीजिए, ढाई ढाई घंटे इंग्लिश और मैथ्स, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या रहती है, वो मैथ्स और इंग्लिश ही रहती है। इन्हीं सब्जेक्ट में वो कम स्कोर कर पाता है या यही सब्जेक्ट उसकी कमजोरी भी होते हैं जिससे कि वो एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता। देखिए, हाई कंपटीशन का दौर है, आप किसी भी सब्जेक्ट को वीक रखकर नहीं चल सकते। आज वो टाइम नहीं रहा कि आपके दो सब्जेक्ट केवल मैथ रीजनिंग अगर अच्छे हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, मैं भी बताता था पहले स्टूडेंट्स को, ये सलाह देता था कि आप अपने मैथ रीजनिंग को बहुत सॉलिड कर लीजिए और फिर आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश और GK नहीं भी कर पाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन अब समय ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं 140, 145 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद रहती है। तो इस चीज़ को अगर आप अपने माइंड में लेकर चलेंगे तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है और बराबर बराबर चारों सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश पर आप इक्वली समय भी दीजिए और बराबर ही उसको तैयार करके चलिए, है ना। तो एक टाइम टेबल बनाइए, सटीक टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही वीकली इन बुक्स के साथ ही आप कोई सेट भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ठीक है, किरण का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन के सेट भी मिल जाएं और मॉडल टेस्ट सेट भी मिल जाएं, या प्लेटफॉर्म का सेट आता है तो वो भी आप लगाकर चलिए। डेली बेसिस पे मत लगाइए, वीकली लगा लीजिए, 15 डेज में लगा लीजिए। अगर एग्ज़ाम अभी 2-3-4 महीने हैं, जैसे CGL की बात करें या CPO की बात करें तो अभी समय है, तो आप जरूरी नहीं कि डेली सेट लगाइए, वीकली एक सेट लगा लीजिए और प्रिपरेशन को अपने ऐसे ही कंटिन्यू जारी रखिए। ठीक है गाइस, तो आपको
मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी जो मैंने बुक सजेस्ट की हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, बुक को देख लीजिए, ठीक है। बुक अपने आप में हालांकि बेस्ट ही हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। आपका कोई फ्रेंड यूज़ कर रहा हो तो उससे आप संपर्क कीजिए, बुक स्टॉल पर जाकर आप देख लीजिए, तभी इसको परचेज़ कीजिए। करीब करीब 1400-1500 के आसपास आपको ये चारों बुक मिलने वाली है। लेकिन इतना वादा मैं कहता हूँ, वादे से भी कहता हूँ, दावे से भी कहता हूँ कि इन बुक को ख़रीदने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आपको ये बुक ही सजेस्ट करनी थी। और एक बात बता दूं कि इन बुक से मेरा कोई पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है, ना ही मैं इन पर कोई पैसा ले रहा हूँ, ना ही कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरी ये पर्सनल थिंकिंग है, ठीक है। मुझे ये अच्छी लगती हैं, बेस्ट बुक लगती हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।